जिला फैसलाबाद की आबादी तकरीबन 1 करोड़ और पुलिस एहलकारों की तादाद सिर्फ 8,000 है। अदम तहफ्फुज का शिकार शहरी सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए प्राइवेट एजेंसीज का रुख करते हैं। दुकानों, घरों, बैंकों, दफातर और स्कूलों में एजेंसीज की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड्स तो मुहैया किए जाते हैं, मगर गैर तरबियत याफ्ता अमला और नाकस असलाह तमाम तहफ्फुजात की नफी कर रहा है। हमारी मजबूरी है कि हम लोग गार्ड रख रहे हैं, लेकिन कोई भी गार्ड जो है ये तरबियत याफ्ता नहीं है पूरे पाकिस्तान में और सारी सभी शहरों में। शहर भर में प्राइवेट गार्ड्स और एजेंसीज का रिकॉर्ड जिला इंतजामिया के पास मौजूद ही नहीं और न ही इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जहां कहीं भी जिस इदारे के साथ जो सिक्योरिटी कंपनी आपके गार्ड्स तैनात हैं उनके असले को हम चेक कराते हैं। हम लोगों ने मुख्तलिफ अवकात में उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी फायरिंग प्रैक्टिस के लिए अपनी सर्विसेज भी दी हैं। सिक्योरिटी एजेंसी मालकान का सिर्फ एक ही हदफ है कि बस पैसा कमाया जाए, जिसके लिए ऐसे लोग भी भर्ती कर रखे हैं जिन्हें असला चलाना तो दूर की बात, पकड़ना भी नहीं आता। निजी सेक्टर में उभरने वाली प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में गैर तरबियत याफ्ता अमला और नामुकम्मल चेक इन बैलेंस सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन काशफ अली के साथ फरजाना सदीक, 92 न्यूज़ फैसलाबाद।